काम करंता अति घना पर खिलने छोड़ो नहीं रे, काम कमती धगा, किसी के 100 गऊ, किसी के 1000, किसी 2000, कितना काम था, परंतु काम नहीं समझती थी, हर चीज में कृष्ण की भक्ति थी। दूध के लिए कृष्ण, दही के लिए कृष्ण, के लिए पानी किसके लिए, कि झाड़ू क्यों लगा रही है, कृष्ण को कोई काट नहीं जाए। एक गोपी घर में बच्चा पैदा हुआ, बालक, किसी ने पूछा ये बच्चा, बोली ये कन्हैया का दोस्त है, तो अपना बच्चा नहीं बता रही, ये कन्हैया के दोस्त है, कन्हैया के साथ खेलेगा नहीं। उन्हें हर चीज में भक्ति आ गई, हर चीज में भक्ति है, भक्ति बड़ी सरल है इसमें, तो जीवन को संगीत बनाए। बोले गुरु जी आपको तो बात बनाती आती है, बड़ा बढ़िया 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 मिल जाता है, आटे चालू का पता लग जाए आपको, हमारी तरफ होते थे। अरे वाह क्या बात है, क्या है। बोले कदम कदम पर ठोक रहे हैं, जहां जाए वहां दुख ही दुख है, फिर क्या हो गया, कहाँ जाओगे। बोले मैं तो हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ नहीं है क्या, वहाँ दुख नहीं होगा। अरे दुख से भागो, दुख को अज्ञा मिलेगा, वहाँ जाओगे वहीं दुख ही दुख मिलेगा, वहाँ ईर्ष्या द्वेष हो जाएगी। साधु नहीं, ईस्ट एंड वेस्ट होम इज द, अरे बोलो रे, जो सुख चज्जू दे चुबारी बिच और नहीं बल फई, जो अपना घर तो अपना ही घर है, जहाँ है वहीं परम धाम बनाइएगा, तो क्या खूब मगन रहो। चलो जी मान लो संकट आते हैं, मान लो ये फूल पसंद है और इसकी जगह गुलाब का फूल आ जाए, कौन सा पसंद करोगे। क्या गुलाब का फूल कांटू पर नहीं है, गुलाब का फूल कहां पर है, कांटू पर। मीरा ने क्या कहा, सोली ऊपर सेज पिया की मिलना किस विध होए, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो। महामती प्राणनाथ विहित फरमाते हैं, दुखरे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़े क्यों कर जाए, जो मैं लियो बिलाए, दुख की प्यारी प्यारी पियो की, देखो ज्ञान फिर। परंतु देखो आगे क्या कहा, दुख सब सपना हो गयो, अखंड सुख भोर भयो, श्री महामत खेले अपने लाल से, जो अक्षरातीत कह। परंतु आगे समझाते हैं महापुरुष, क्या जीवन कैसा जीवो, मान लो कृष्ण की बंसी नहीं बन सकते तो क्या आगे बढ़ो, क्या कदम पर ठोकर है, क्या कहा है, जो चट्टानों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, जो चट्टानों से टकराते उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे इंसान कहते हैं, तूफान जो टकराता है उसे इंसान कहते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वह टकराए हैं, पर हंसते भी और गले लगाए सबको, सबको गले लगा लिया, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जो भी आए उसको अपने गले से लगाते चलो। तो आगे बढ़िए, परिक्रमा, परमात्मा का नाम जपते भी, परमात्मा का ध्यान करते भी, परमात्मा का गुणगान करते हुए जब हम चलते हैं, उसका नाम परिक्रमा है। आप अपने घर से यहाँ आए हो, ये परिक्रमा है, बशर्ते फिर आपने नाम जाप करते आए हो, और यहाँ से घर जाओगे तो नाम जाप करते जाओ तो क्या होगा, परिक्रमा होगी। परंतु उल्टा है सारा, सारी बातें रास्ते में करोगे, क्या करोगे। किसी ने किसी से यह पूछा, तेरा घर बार कितना है, किसी ने किसी से ये पूछा, तेरा व्यापार कितना है, किसी ने किसी से ये पूछा कि तेरा श्रृंगार कितना है, पर किसी ने किसी से नहीं पूछा, तेरा परमात्मा से पूछा कभी, सास कैसी, बहू कैसी, व्यापार धंधा कैसा, वो नेता कैसा, वो पार्टी के यही पूछ रही, जिंदगी खत्म हो गई, अरे कितने आए कितने चलेगी। चर्चा करो, चर्चा सुन जे दिन ने रात, अपने तुड़स ही प्राणनाथ, जो यहाँ सुने है रास्ते में बातें करो, जैसे निजान स्वामी सुनते थे रास्ते में कौन, गांगजी भाई को सब बातें चर्चा की चर्चा करती थी। प्राणनाथ जी के बड़े भाई गोवर्धन सुनते थे, घर में जाकर प्राणनाथ जी छोटे बच्चे सुनाते थे, आप जो सुनो वह रास्ते में सुनाते जाओ, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
और प्रसिद्ध राज के गुण को गाते चलो, यह है परिक्रमा। आप ट्रेन से जा रहे हो दिल्ली, आपको लगेगा 18 घंटा 24 घंटा ट्रेन में आप गुणगान करो। कुछ बहनें बंगलोर से और दिल्ली आ रही थी, रास्ते में दो तीन बहनें थी, दो भाई थे, आपस में धर्म चर्चा कर रही थी और शाम के समय बंदो सतगुरु चरण को करूं धन्य प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल देव चंद जी नाम। ये गाय तो अगल बगल वाले भी आ गए, दो चार किताबें रख दी गई, वे बैठ गई। उधर साइड में ताश खेलने वाले भी थे उधर में और इधर में, तो तीन तीन छह दो आठ होते ना, वो आठवें कीर्तन में लग गए उधर वाले ताश खेले। पर थोड़ी देर बाद में क्या हो, ताश खेले उधर आ गए, ताश खेलने वाले भी उधर आ गए और बोले तुम कहाँ से आए हो? बोले बंगलोर से। कहाँ जा रहे हो? हमारे गुरु जी का वार्षिक उत्सव है। कहाँ? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली तो हम भी जा रहे हैं। तो कहाँ? रोहिणी में। कहाँ? पहुँच गए। वो कितना? वो 24 घंटा बातें करते रहे। और क्या हुआ? मंत्र लेने तैयार, मंत्र लेने को तैयार हो गए। डायरेक्ट बोले हमको मंत्र लेना है और लगभग 10 ने मंत्र ले लिया। बंगलोर और दिल्ली की यात्रा में क्या हुआ, उन चार पांच बहनों से दो सात जने थे, वो तो साथ के सीट होगी ना, तीन तीन चार एक सात सीट तो होगी ना उनकी, तो क्या उनने 10 को तैयारी कर दिया ना। आप क्या पढ़ते हो? फिल्मी फेयर, फिल्म फेयर, नोवल, क्या क्या पढ़ते हो? अरे वह क्यों पढ़ते? धार्मिक किताबें पढ़ो, गुरु जी के मंगल सूत्र पढ़ो, भागवत पढ़ो, ये पढ़ो और उनको दे दो, दे दो, वो पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते बन जाए। इसको क्या होगा? परिक्रमा होगी। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो, कहीं पर भी गप लगाते हो, गप क्यों लगाओ? उस समय नाम जाप करो, उसमें मॉर्निंग वॉक करते एक घंटा नाम का जाप करो, और एक घंटा आपका जमा कहाँ हो गया? ऊपर परमधाम में जमा हो गया एक घंटा। 30 दिन में 30 घंटे जमा हो गए, 12 महीने में कितने घंटे हो गए? 360 घंटे थे आपके जमा हो गए मॉर्निंग वॉक। यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे हो और वहाँ क्या है, जमुना जी के घाट में अमृत मन पाने फूल बाग और नूर बाग में वहाँ होगी भक्ति। कितनी सरल है, इससे सरल क्या होगा? तो ये होगी परिक्रमा। वेद व्यास जी के पास पहुँचे, वेद व्यास जी ऐसे बैठे हैं, चेहरे पर उदासी है, चेहरे पर उदासी है। नारद जी तो आधा घंटा रुकते हैं, नारद जी सुखदेव जी आधा घंटा रुकते हैं बस, आधा घंटे भागवती सुना देते पूरी, फिर आगे आंखें खोली ऐसे किया, बोले जी प्रणाम, प्रणाम जी, मिले व्यास जी, मैं आधे घंटे से मैं आपके मुखारविंद को देख रहा हूँ, आप परमासन में हो, आप ध्यान आसन में हो, पर आपके चेहरे पर कुछ चिंता की रेखाएं हैं, आप चिंतन में हो? चिंता में, चिंतन और चिंता दो शब्द हैं, पता कैसे लगेगा? चिंतन में चेहरे पर चमक आती है, चिंतन में चेहरे पर चमक आती है, चिंता में मुरझायापन आता है। चिंतन में साधना होती है, साधना में एक समय भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, शरीर तो कमजोर हो जाएगा पर चेहरा चमकेगा। चिंतन में साधना में शरीर कमजोर हो सकता है परंतु चेहरे में चमक, और चिंता में शरीर तो पूरा एक कुंटल का है तो चेहरा मुरझाया हुआ है, पता कैसे लगेगा? यहाँ से पता लगता है, ये 9 इंच का चेहरा ने साइकोलॉजी में चैप्टर आता है कि योर फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, आपका चेहरा आपके मन का दर्पण है, आप अंदर में क्या सोचते हो यहाँ आएगा। चाहे कितना भी छुपा लो, कितनी झूठ बोल लो, कई बार कहते कई बार ठीक हूँ जी, थोड़ी देर में कहते बोले गुरु जी बहुत दुखी हूँ, बहुत आपसे अकेले बात करना कर लो, बोले नहीं पत्नी भी तुम बाहर रहे, कितना दुखी है, अपनी पत्नी के पास साथ बनो, बड़ा दुखी, बोला क्या? बोले इच्छा करती है मर जाऊँ, देरी क्यों कर रहा है फिर? अरे मूर्ख कहते हैं मर जाएंगे,
पर संत कहते मर करके भी कहां जाओ, कीड़े मकोड़े बनाओगे जी? नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करो, अंदर की बात छुपेगी नहीं, अंदर आएगी। लाख छुपा लो छुप नहीं सकता, राज इतना गहरा, मन की बात बता देता ये असली नकली। सुना था ना कभी गाना, अंदर आ जाएगा। यहां पर व्यास जी, हाँ बोले मैं चिंता में हूं, पर मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, तो मुझे चिंता कलयुग आ रहा है। कलयुग में मानव की उम्र कम हो जाएगी, सतयुग में मानव की उम्र थी 1,00,000 वर्ष, कितनी थी? त्रेता युग में थी 10,000 वर्ष, द्वापर युग मानव की 3,000 वर्ष, आज कलयुग में उम्र कितनी है? सिर्फ सौ साल। कई कहते महाराज जी अभी तो 25 साल के हुए हैं नाचने खाने पीने में, जैसे गारंटी कार्ड जेब में रखा हुआ है 100 साल का, बड़े खुश हैं। अरे यही तो उम्र है, कुछ करने की उम्र यही है। जब तक है जोश जवानी, सत्संग सेवा सुमृत कर ले प्राणी, बूढ़े में क्या करोगे, बुढ़ापे में क्या करो, बुढ़ापे में हाल बड़ा खराब हो जाएगा। कैसा होगा? लाठी से पड़ेगा ताला, इन आंखों पे तनेगा जाला और कान में लगेगा ताला। जरा जिंदगानी में अरे भक्ति क्या करोगे, तब शक्ति नहीं रहेगी। जब कृष्ण नाम गाने की तेरी बंद वाणी में, अतः योग योग से भोग से वियोग कर कृष्ण की भक्ति करो प्यारे खरी जवानी में, प्यारे खरी जवानी में। उम्र तो यही है, उम्र यही है। अभ्यास अब करोगे तो होगा, अब अभ्यास नहीं करे बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला है। वो कोई गुरु के पास गया, बोले गुरु जी मुझे मंत्र दे दो ना, सुनता तो ही नहीं, माइक सुनता नहीं है, चलो कृष्ण मंत्र दे देते हैं। गुरु ने कहा बोलो श्री कृष्णा, बोले फ्री तृष्णा, नहीं श्री कृष्णा, बोले फ्री तृष्णा, 5 बार बोले तब मुश्किल नहीं चला श्री कृष्णा। सच्चिदानंद है, बोले पतितानंद है, सच्चिदानंद है, बोले पतितानंद है, क्या करोगे, सुनता नहीं है। ये माइक खराब हो चुका है, ये नहीं काम कर रहा है, मशीन तब भी काम नहीं। तो उम्र तो ये है, अब अभ्यास किया तो नाम चलेगा। अभ्यास किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा, अंत समय में गोविंद के गुण कैसे गाएगा। नहीं तो यार बहू के बोल रहे है, सुनता था नहीं, क्या होगा नाम। चलो जी 100 साल तुम्हारी उम्र है, बहुत अच्छी है। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, ये 100 साल उम्र कैसे जाएगी हमारी, ज्यादा से ज्यादा कलयुग में उम्र बताई शाबंदे, ज्यादा से ज्यादा कलयुग में उम्र बताई शाबंदे, आधी उम्र तेरी रात रात में सोने में देखा बंदे, आधी उम्र तेरी रात रात में सोने में गई खो बंदे, कुछ बालापन में जमा गई हंस खेल कूद के रो बंदे, कुछ बालापन में गवा गई हंस खेल कूद के रो बंदे, ज्वानी में मन मस्त हुआ दिया बीज कर्म को बो बंदे, ज्वानी में मद मस्त हुआ दिया बीज कर्म का बो बंदे, आया बुढ़ापा रोग भोगता टूटी खटोली सो बंदे, आया बुढ़ापा रोग भोगता टूटी खटोली में सो बंदे, अब तो कृष्ण का भजन करो फिर आना होना हो बंदे, अब तो कृष्ण का भजन करो फिर आना होना हो बंदे, तेरा आना होना हो बंदे, तेरा आना होना हो बंदे, दिवस गवाया खाए कर और ये रैन गवाई सोए, हीरा जन्म अमोल था गोड़ी बदले खोए, कब किया
दिन भर तो पेट कीचे, रात को आहार निंद्रा बहे मैथ्यम चे सामान्य में तत्पुष भिन्न राणाम धर्मो ही तेसाम अधिक विशेष है धर्मेण ही ने पशु भीष्मान है। आहार भोजन करना, निंद्रा सो जाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, पालना पोषना पढ़ाना फिर चले जाना, क्या मिला? पशुओं का जीवन है। अरे पशु भी तो अच्छे हैं। ये खाना पीना सोना उन पशुओं के भी काम, बंदे में बच फर के यही जपे प्रभु का नाम। हो जपे प्रभु का नाम। ये खाना पीना सोना है पशुओं के भी काम, बंदे में बस फर्क यही जो जपे प्रभु का नाम। हो जपे प्रभु का नाम। खाना पीना सोना पशु भी कर दे, कोई विशेष बात नहीं, क्या किया जिंदगी खत्म कर दी इसमें। अरे मानव का जन्म कुछ करो, मानव तन का सार यही भजन कृष्ण मुरार, बिना भजन सत्संग सेवा के ये जीवन है बेकार। बेकार क्यों गुवारे? तो व्यास जी महाराज, आपने बहुत कुछ किया फिर भी उदास हो आप? चार वेद, छह सातर सत्रह पुराण बनाए फिर भी उदास? हाँ, बहुत कुछ किया फिर भी उदासी है, ऐसे लगता है मुझे कमी है। बोले व्यास जी नाराज मत होना, बतलाऊं? बोले हाँ। एक अंधा व्यक्ति खाई में गिर रहा था, आपने खाई से निकाल दिया, कुएं में डाल दिया, कभी निकले ही नहीं। अधरू पर हो श्री कृष्ण का नाम, तन मन में उमड़े भक्ति उमंग। कन्हैया प्यारे की प्रीत में बरसे श्रीमद् भागवत कथा के रसरंग। श्रवण कीजिए परम पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा 1 मई 2018 से प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर।